दुनिया में व्यापार के लिए समुद्री मार्ग सबसे सुगम और किफायती माना जाता है, इसीलिए ज्यादातर देश व्यापार के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दिनों समंदर के रास्ते व्यापार करना सुरक्षित नहीं रह गया है। पिछले कुछ वक्त में समंदर में व्यापारिक जहाजों पर हमले, जहाज अगवा कर फिरौती वसूलने और जहाज से सामान लूटने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। ताजा घटना अरब सागर में सोमालिया तट के पास की है। यहां से लाइबेरिया का झंडा लगे एक व्यवसायिक जहाज को अगवा किया गया था। इस घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह सामने आई। समंदर में जहाजों की सुरक्षा को लेकर निगरानी करने वाले संगठन UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक उन्हें भारतीय समय के मुताबिक 4 जनवरी की शाम जहाज के क्रू मेंबर ने सूचना दी कि जहाज पर 5 से 6 हथियारबंद लोग उतरे हैं। MV लीला नोफोक नाम के जहाज के अगवा होने की सूचना को UKMTO ने भारतीय नौसेना के साथ साझा किया। क्योंकि जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे, इसे देखते हुए इंडियन नेवी ने अपना INS चेन्नई अरब सागर में घटना वाली जगह की तरफ रवाना किया था, जो आज सोमालिया तट पर पहुंचा। इंडियन नेवी ने मौके पर पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू किया और अच्छी बात यह है कि इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया है। इंडियन नेवी ने जहाज पर मौजूद सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने कुल 21 लोगों को बचाया है, जिसमें 15 भारतीय हैं। INS चेन्नई से अगवा करने वालों को चेतावनी दी गई है। साथ ही इंडियन नेवी ने जहाज को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। मरीन कमांडो उस जहाज पर उतरे जिसे लुटेरों ने अगवा किया हुआ था। दोपहर करीब 3:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ, रात 8 बजे खत्म हो गया। साथ ही इंडियन नेवी ने सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित समुद्री लुटेरों की कैद से छुड़ा लिया। जिस तरह से जहाज को सोमालिया तट के करीब अगवा किया गया है, उससे ऐसी आशंकाएं हैं कि इसके पीछे सोमालिया के समुद्री लुटेरे हो सकते हैं। दरअसल जहाज को ब्राजील से बहरीन तक 9,500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 17,500 किलोमीटर का सफर तय करना था। जहाज को ब्राजील के पोर्टो दू एक्यू पोर्ट से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर 11 जनवरी को पहुंचना था। इससे पहले 4 जनवरी की शाम जब जहाज सोमालिया तट के पास पहुंचा, तब जहाज के अगवा किए जाने की सूचना UKMTO को मिली। समुद्र में इंडियन नेवी सिर्फ चुनौतियों का डटकर सामना ही नहीं कर रही है, बल्कि अपने देश समेत दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचा रही है। इस ऑपरेशन का सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचना इंडियन नेवी की बड़ी जीत है, जिसने 21 लोगों को नई जिंदगी दी है। हालांकि जिस तरह से समंदर में जहाज अगवा किए जा रहे हैं, वो दुनिया के लिए टेंशन का बड़ा कारण है। अरब सागर और लाल सागर में जहाजों पर हमले और उन्हें अगवा करने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। पिछले करीब 2 महीने में औसतन हर दिन कोई ना कोई घटना हुई है। इन आंकड़ों को UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने साझा किया है। दरअसल UKMTO ऐसा संगठन है जो समुद्री सुरक्षा की निगरानी के लिए काम करता है। संगठन को किसी पोर्ट या समंदर में होने वाली घटना की जानकारी सोर्स से मिलती है। UKMTO सूचनाओं को घटना से संबंधित देश और वहां की नेवी के साथ साझा करता है। ताजा घटना में UKMTO ने ही इंडियन नेवी को अगवा किए गए जहाज की सूचना दी है और ऐसी घटनाएं पिछले 2 महीने में कई बार हुई हैं। पिछले वर्ष 14 दिसंबर को माल्टा के एक जहाज को अगवा कर लिया गया था, साथ ही 6 क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया गया था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने इस जहाज को उस समय अगवा किया था जब जहाज साउथ कोरिया से टर्की के लिए जा रहा था। माल्टा के इस जहाज को छुड़ाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाया और इसमें कामयाबी भी मिली। एक बंधक क्रू मेंबर को भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू भी किया था। इसी तरह पिछले वर्ष 19 नवंबर को टर्की से भारत आ रहे कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया गया था। हुती विद्रोहियों को शक था कि कार्गो शिप इसराइल का है। जहाज अगवा करने का वीडियो भी शेयर किया था। जहाज गैलेक्सी लीडर अब भी हुती विद्रोहियों के कब्जे में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया था कि जहाज को ईरान ने अगवा कराया है।
शुरुआत में हुती विद्रोहियों ने उन जहाजों पर हमले किए जो इसराइल जा रहे थे, लेकिन बाद में लाल सागर से होकर जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। हुती हैं ये पहले से ही इसके अंदर लगे हुए थे, इस कार्रवाई के अंदर। बेसिकली यहाँ की जो सिविल वार सोमालिया में चल रही है उसके अंदर ये सारे के सारे भूखे नंगे हो गए हैं और इनके पास कोई आमदनी तो है नहीं, वहाँ पे काम धंधा है नहीं कोई। और आपको पता है, देखिए सोमालिया के अंदर इतना बुरा हाल है, इतनी भुखमरी चल रही है कि वहाँ पे एड भी जो जा रहा है यूएन का, वो भी बड़े मुश्किल से लोगों के पास पहुँच रहा है, स्टार्वेशन डेथ्स हो रही हैं। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने अब ये धंधा एक बना लिया था कि भाई यहाँ पे ये जाके समुद्र के अंदर जाके इनके जहाज़ों को उनको बंदी बना के वहाँ से पैसे ऐंठे। और अब जो क्योंकि इजराइल हमास की लड़ाई हुई है तो उसका वो एक उसके अंदर एक हवाला दे रहे हैं कि देखिए जी, वो क्योंकि इजराइल ने हमास के ऊपर कि हम इसलिए कर रहे हैं उसके वो लड़ाई बंद होनी चाहिए। ये तो सिर्फ सरासर एक, मैं कहूँगा, ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। असली मकसद जो उनका ये है वो ये ही है कि वो जहाज़ों को जो है उनको ऊपर कब्जा करें और उनके उधर से माल जो है वो ऐंठे कि भाई रैनसम मनी जो है वो इनसे ली जाए। सोमालिया के समुद्री लुटेरे पहले से जहाजों पर हमले करते रहे। जब हुती विद्रोहियों के हमले बढ़े तो समंदर में खतरा बड़ा हो गया। यूके एमटीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 के बीच, यानी कुल 52 दिनों के अंदर, अरब और लाल सागर में जहाजों पर हमले और अगवा करने की 25 से ज्यादा घटनाएं हुई। मतलब औसतन हर 2 दिन में एक जहाज पर हमला हुआ या फिर जहाज अगवा किया गया। इन्हीं 52 दिनों के अंदर जहाजों से सामान लूटने की 9 घटनाएं हुई। यूके एमटीओ की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलने पर संगठन ने 10 बार एडवाइजरी जारी की है। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आपको लाल सागर और अरब सागर में जो पीले रंग के बिंदु दिखाई दे रहे हैं, समंदर के जिस क्षेत्र में जहाज पर हमला हुआ, ये पीले बिंदु उस जगह को दर्शा रहे हैं। लाल सागर में जहाजों पर ज्यादा हमले किए गए। इसकी बड़ी वजह इस समुद्री क्षेत्र का व्यापार के लिहाज से विशेष महत्व होना है। दरअसल इस रूट से व्यापार करना सस्ता और सुगम है। दुनिया में होने वाले कुल समुद्री व्यापार का 15% व्यापार लाल सागर के रास्ते से होता है। यूरोपीय देशों को कच्चे तेल की 80% तक सप्लाई लाल सागर के समुद्री रूट से होती है। लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़ने की वजह से जहाजों के इंश्योरेंस प्रीमियम 250% तक बढ़ गए। कुछ देशों के जहाजों ने बढ़ते हमलों की वजह से रूट बदला है। इससे ट्रैवल कॉस्ट में 15% का इजाफा हुआ है, जबकि 10 दिन का समय भी ज्यादा लग रहा है। जहाजों की ट्रैवल कॉस्ट बढ़ने से जानकारों को आशंका है कि समंदर के रास्ते आने वाले सामानों की कीमत में इजाफा होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। लाल सागर में जहाजों पर बढ़ते हमलों को लेकर दुनिया की फिक्र बढ़ी हुई है। इसे लेकर पिछले वर्ष 28 दिसंबर को अमेरिका ने कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग का उद्देश्य लाल सागर और अरब सागर में जहाजों पर बढ़ते हमलों से निपटने के लिए एक जॉइंट फोर्स बनाना था, लेकिन इसके लिए इटली, फ्रांस और स्पेन जैसे कई देश तैयार नहीं हुए। हालांकि 3 जनवरी को लाल सागर में जहाजों पर बढ़ते हमलों को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हुई और हमलों को लेकर चिंता जाहिर की गई। जॉइंट फोर्स बनाने को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन भारत और अमेरिका की 9 सेनाएं लाल सागर में शिपिंग रूट की सुरक्षा कर रही है। इंडियन नेवी ने अरब सागर और लाल सागर में 5 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। बीते बुधवार को ही अमेरिका की नौसेना ने हुती विद्रोहियों की बोट को निशाना बनाया था, जिसमें 10 हुती विद्रोही मारे गए, जबकि 3 बोट तबाह हो गई थी। समुद्री सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए अब भले ही जॉइंट फोर्स बनाने पर बात ना बनी हो, लेकिन जिस तरह हुती विद्रोहियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, उससे भविष्य में जॉइंट फोर्स बनने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। ऐसा पहले भी हो चुका है। वर्ष 2015 में हुती विद्रोहियों ने यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा संकट पैदा हो गया था। इसके बाद सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट के नेतृत्व में 9 इस्लामिक देशों ने जॉइंट फोर्स बनाई, जिसने हुती विद्रोहियों पर कई वर्षों तक हवाई हमले किए, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन और लाल सागर में समुद्री हमले किए। हालांकि ये टास्क फोर्स यमन से हुतियों को पूरी तरह खत्म
नहीं कर पाई और कोरोना संकट के साथ ही हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन बंद हो गए। अब एक बार फिर से हुती विद्रोही सिर उठा रहे हैं और लाल सागर में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। समुद्री जहाजों की सुरक्षा किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल समस्या है जिससे निपटने के लिए दुनिया को साथ आना होगा, वरना जिस तरह से हमलों में इजाफा हुआ है उससे दुनिया का समुद्री व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। ये जो चीज है ये बेसिकली एक मैं कहूंगा पायरेसी है, एक चोरबुजारी है और इसके लिए सारी दुनिया का जो है मुल्क है उनको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और ये हुती रिबल्स को जो सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट्स उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के हथियार और उन्हीं से पैसा आ रहा है जिससे ये अपने समुद्र जो स्पीड बोट्स वगैरह ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं और हेलीकॉप्टर तक के ले रहे हैं, क्योंकि कई वीडियोज ऐसे भी आए हैं कि हेलीकॉप्टर से जहाज़ों के ऊपर लैंड किए हैं इन्होंने और वहाँ जहाज़ों को उन्होंने कब्जे में किया, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। समुद्री जहाजों को अगवा करने और सामान लूटने की ज्यादातर घटनाओं में हुती विद्रोही ही शामिल रहे हैं। हालांकि सोमालिया के समुद्री लुटेरों का इतिहास भी पुराना रहा है। वर्ष 1991 के बाद से सोमालिया में गृह युद्ध चल रहा है, जिसके बाद से समुद्री लुटेरों की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन इस समय समंदर में जहाजों की सुरक्षा के लिए हुती विद्रोही बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जिनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन की जरूरत है।